अब में से कोई कसूर से है? एनीवन फ्रॉम कसूर? कोई भी नहीं है कसूर से? लाहौर तो मैं खुद ही रहता हूँ। यार तुम लोग खुद क्यों नहीं पढ़ते? थोड़ा सा खुद भी पढ़ लिया करो ना, सिर्फ एक दफा पढ़ लेते ना, एक दफा। मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ कि तुम्हें सारी समझ आ जानी थी। तुम खुद बॉदर ही नहीं करते, मसला ये है। ऐसे ना किया करो ना, कुछ तो खुद भी पढ़ लिया करो ना यार। ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना, सच्ची सच्ची बताना है किस किसने पढ़ा है। झूठ नहीं बोलना, सच्ची सच्ची बताना। फिर तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ। और इतनी तो मुश्किल बात ही नहीं थी। बाकी सारी समझ आ गई है। अच्छा अभी तक मुझे बताओ कि आया मुश्किल लगा कि आसान लगा? और तुम्हें मैं आज एक खुशखबरी दूं, आईआर का जो मुश्किल पार्ट था वो हमने कर लिया है। आईआर का जो मुश्किल पार्ट था वो हमने कर लिया है। आगे जो सारी चीजें हैं ना, आप लोग हंसोगे कि यार मतलब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट द हेल वी आर रीडिंग। लाइक ये भी पढ़ने की चीजें हैं, और वो जो सारी चीजें हैं वो आपको लेकिन काम बहुत आएंगी। आपका आज से मतलब सारा करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा, आज से सारा आपका पाक अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? नियो मार्क्सिज्म और क्रिटिकल थ्योरी ये तो दोबारा भी आ जाएंगी। नियो मार्क्सिज्म और क्रिटिकल थ्योरी दोबारा भी आ जाएंगे। अच्छा आज हम इस तरह करते हैं कि एक दफा ना मैं सारी थीरीज का आपको ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है? सारी थीरी जितनी भी मैंने पढ़ी है उसका ओवरव्यू देता हूँ। उसके बाद हम जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है थीरी की एप्लीकेशन सीखते हैं, और उसके बाद फिर हम ना आगे पढ़ते हैं। ये सब इससे राजी हैं? और आज एक और खुशखबरी भी है तुम लोगों के लिए कि ना मैंने सोचा कि हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन कल की ब्रेक के बाद जुमा हफ्ता इतवार फिर तीनों क्लासेस इकट्ठी होंगी। ठीक है? नहीं सैटरडे ब्रेक नहीं लेंगे हमने, हम ब्रेक लेंगे उसकी वजह ये है कि सैटरडे संडे को ही तो मैं फ्री होता हूँ, तो वो जरा अच्छा हो जाता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक दफा सारी थीरीज को रिवाइज कर लेते हैं ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो, और जब रिवाइज कर रहा हूं तुम लोगों ने तो सारा अपना बैकग्राउंड क्लियर करते जाना है। ठीक है? बाद फिर हम उसकी एप्लीकेशन सीखते हैं। और राइट कुछ रीत जगत की ऐसी है। अरे और हाँ, रेस्ट श्योर कि अब जो है ना आगे जो सारा आया आ रहा है ना, वो बिलीव यू मी इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक।
मतलब फॉरेन पॉलिसी के डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पावर क्या होती है, और जनाबे अला बैलेंस ऑफ पावर के डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में फर्क क्या होता है, और ये सारी चीजें हैं। मतलब ये है कि मैं आपको फासिज्म, नाजीज्म, कोल्ड वॉर, उसके बाद कोल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, रीजन ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ये सारी चीजें भी कराऊंगा, ये आपके बाकी काम आ जाएंगी। रिदा, मैं आज ये कर रहा हूँ, आज मैंने ये पॉलिसी बनाई है कि जितना हमने पिछले 4 लेक्चर्स में सारी थीरीज पढ़ी है ना, उन थीरीज का एक ओवरव्यू देता हूँ और फिर उन थीरीज की एप्लीकेशन सीख लेते हैं। ये ठीक है रिदा, आपको मंजूर है ये आइडिया कि नहीं? मेजोरिटी इज अथॉरिटी ना। चलो, किसी को मसला तो नहीं है ऐसे है बच्चों? पक्की बात है ना? देख लो, टीना को समझ आती नहीं है उस टाइम, और टीना को जल्दी कितनी है ना, टीना मतलब जो है ना वो बेवफा निकली है। टीना से, टीना के बाद, टीना से, टीना के ऊपर एतबार उठ गया हमारा। अच्छा, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था रियलिज्म, और हमने रियलिज्म की 2 डायमेंशंस की थी, ठीक है? एक हमने की थी क्लासिकल रियलिज्म और एक हमने किया था न्यू रियलिज्म, ठीक है? अच्छा, अब एक बात कुछ तुम लोगों ने भी साथ साथ रिवाइज करना है ताकि तुम लोगों का पक्का हो जाए। अच्छा, ये बताओ कि क्लासिकल रियलिज्म किस ग्रेट डिबेट की थ्योरी है? क्लासिकल रियलिज्म के फर्स्ट डिबेट, फर्स्ट ग्रेट डिबेट की थ्योरी है, और फर्स्ट ग्रेट डिबेट कहां से कहां तक चली? शाबाश, 1920 से लेके 1930s तक। माशाल्लाह यार, एक्सपर्ट हो गए तुम लोग हैं। अच्छा, जब हम इसको कंपेयर करते हैं न्यू रियलिज्म के साथ, अच्छा हाँ, ये किस लेवल ऑफ एनालिसिस की थ्योरी है? क्लासिकल रियलिज्म किस लेवल ऑफ एनालिसिस की थ्योरी है? इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस की थ्योरी है, ठीक हो गया? उसके बाद न्यू रियलिज्म जो है, न्यू रियलिज्म इसका तल्लुक किस ग्रेट डिबेट से है? उल्लू के पट्टू सेकंड ग्रेट डिबेट में क्या था? स्टडी कैसे करना है आयर को, अप्रोचेस थी। अरूज क्या हो गया है? सेकंड ग्रेट डिबेट में अप्रोचेस थी, अप्रोचेस। न्यू रियलिज्म थर्ड ग्रेट डिबेट से है, सेकंड ग्रेट डिबेट में अप्रोचेस थी, अप्रोचेस, ठीक है? और ये कहां से कहां तक चली? 1960s से लेके 1970s तक। और ये किस लेवल ऑफ एनालिसिस की थ्योरी है? कौन सा लेवल ऑफ एनालिसिस है इसका? स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताओ कि जो क्लासिकल रियलिज्म है इसकी बेसिक अजम्पशन क्या है? बेसिक अजम्पशन क्या है क्लासिकल रियलिज्म की? कि इंसान जो है वो घटिया है, इंसान जो है वो कमीना है, ह्यूमन जो है वो इगोइस्टिक है, ठीक है? और इस इगोइस्टिक मैकेनिज्म की वजह से वो हमेशा किस चीज में लगा रहता है? वो स्टेट की पार को इंक्रीज करने में लगा रहता है ताकि वो स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट गेन कर सके।
ठीक है। और ये जो है इसकी बेसिक एग्जम्पशन क्या है, इसकी बेसिक एग्जम्पशन ये है कि जो सिस्टम है, सिस्टम उसके अंदर इंटरनेशनल अनार्की है। अब इंटरनेशनल अनार्की क्यों है? अनार्की इसकी वजह से है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कोई सॉवरन नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे कोई सॉवरन नहीं है, उस सॉवरन के ना होने की वजह से 3 S होते हैं, उस सॉवरन की ना होने की वजह से 3 S होते हैं, 1 S, 2 S, 3 S। नंबर 1 स्टेटिज्म, कि स्टेट सबसे बड़ी है, स्टेट इज ए प्राइमरी एक्टर, स्टेट इज ए यूनिटरी एक्टर एंड स्टेट इज अ रैशनल एक्टर। दूसरी बात क्या होती है, सेल्फ हेल्प करना पड़ता है, खुद को खुद बचाना पड़ता है। और तीसरी बात है कि सर्वाइवल करना पड़ता है। और आप जो है इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे तो आपको जो सबसे प्रो एक्टिव थीरी मिलेगी वो रियलिज्म है। बिकॉज जो भी है आज भी स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे सुप्रीम रखती हैं। और नेशनल इंटरेस्ट का सबसे आसान तरीका क्या बताया था, कि नेशनल इंटरेस्ट वही होते हैं जो नेशन स्टेट के पिलर्स होते हैं। और क्योंकि आज के दौर में बेशक जितनी भी चीजें डेवलप हो गई हैं, लेकिन स्टेट आज भी अपनी सॉवरेनिटी, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अपनी इक्वालिटी और अपनी रिकग्निशन को सबसे सुप्रीम रखते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। तरीका ये है कि या आप पहले थ्योरी को एक्सप्लेन करो फिर इवेंट को एक्सप्लेन कर लो, या आप पहले इवेंट को एक्सप्लेन कर लो उसके बाद थ्योरी को एक्सप्लेन कर दो, जिस तरह तुम्हें जो है वो अच्छा लगता है। मैं आपको दोनों तरीके करके एक एक पैराग्राफ लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। चलो बताओ कहाँ कौन सा किस चीज को माइंड में रखें, बेस किसको बनाएं, जिस इवेंट को कहते हो उसी को बेस बना लेते हैं। इंडो यूएस कहते हो, इंडो चाइना कहते हो, पाकिस्तान चाइना कहते हो, जो मर्जी, ईरान यूएस, जो मर्जी, यूएस चाइना, चलो यूएस चाइना कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको लिखना कैसे है? तुमने ये लिखना है, पहले मैं मेरी मेरी ये अप्रोच होती थी कि मैं पहले इवेंट को एक्सप्लेन करता था, मैं पहले इवेंट को एक्सप्लेन करता था। अब देखो कि मैं इवेंट को कैसे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, सॉरी 21st century, चाइना हैज इमर्ज एज अ ग्रेट पावर। ड्यू टू दिस द हेजमन द यूएसए हैज बीन फेसिंग सिक्योरिटी डायलेमा।
द नेशनल एनवायरमेंट द ज़ेनोफोबिक attitude of the people of the United States of America elected a xenophobic leader, Donald Trump. Trump, being the President of the United States of America, followed the rationale of classical realism. He focused on the America and made an America First policy. His main aim is to protect the national interest of the United States of America. Forgive me for my bad English expression. ठीक है, मैंने बस ऐसे जल्दी जल्दी में लिख दी है. लेकिन हमने पहले क्या किया, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इवेंट को एक्सप्लेन किया और यहाँ पे हमने अपनी थीरी घिसेड़ दी और साथ में हमने ये कह दिया कि वो क्या फॉलो कर रहा है, अपने जो है ना वो नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है. ठीक है, अब इसी चीज के ऊपर अगर तुमने न्यो रियलिज्म जो है ना वो अप्लाई करनी है तो अगेन उसको भी ऐसे ही तुम करोगे. ठीक है, कि विद द एमर्जेंस ऑफ चाइना the United States of America has come under the Prisoner's Dilemma Trap. The policies of the USA have been revolving around the concept of neorealism since the dawn of the
21st century. The USA has been trying to protect its state interest at the cost of mutual cooperation and bilateral trade, this phenomenon has given way to trade war, in which both powers are fighting to maximize their relative gain rather than the absolute gains for common good. इसमें तुमने क्या किया कि पहले तुमने इन दोनों की सिचुएशन डेवलप की कि चाइना जो है वो दुनिया के थिएटर पे आया और यूएस कहाँ पे चला गया, प्रिजनर डायलेमा, ट्रैप में चला गया, ठीक है। और जो यूएस की सारी पॉलिसीज है बाद में वो सारी की सारी न्यूरियलिज्म के अराउंड घूमने लगी, ठीक है। और जो यूएस है वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने लग गया रादर कॉपरेशन के और बायलेटरल ट्रेड के, वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने लग गया। और इस फिनोमेना ने उनकी जो ट्रेड है उनके दरमियान ट्रेड वार को स्टार्ट किया, जिसके अंदर दोनों ने रिलेटिव गेन को ऑब्टेन करने की कोशिश शुरू कर दी एज कंपेयर टू द एब्सोल्यूट गेन्स। अब सीन सिर्फ सिंपल सा है कि प्रिजनर डायलेमा क्या होता है, उसको लगा कि चाइना आगे जा रहा है। प्रिजनर डायलेमा ये होता है ना कि चाइना आगे जा रहा है, मुझे भी अब आगे जाना ही जाना है, मुझे इस पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना, लैक ऑफ ट्रस्ट। अब देखो इसमें तुम्हारी थ्योरी भी अप्लाई होगी, ठीक है, और इसमें तुम्हारे जो होते हैं जार्गन्स वो भी यूज हो गए। जी जी आप वो भी यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी डिलेमा भी यूज कर सकते हो। ये टफ है, इसमें क्या टफ है रुज? कोई भी फर्क नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर देखो, अब इसका एक दफा ये भी देख लो ना, एक दफा पाकिस्तान और इंडिया की देख लो, ये देखो, फोकस करो।
जी जी बिल्कुल, आप अप्लाई कर सकते हैं, फोकस करो। अच्छा देखो, पहले नहीं, पहले करो करो, हमने लिबरलिज्म पढ़ा और हमने लिबरलिज्म की भी टाइप्स पढ़ी, हमने पढ़ा क्लासिकल आइडियलिज्म या क्लासिकल लिबरलिज्म, और हमने पढ़ा नियो लिबरलिज्म। ठीक है, अच्छा अब जो है क्लासिकल लिबरलिज्म जो है, क्लासिकल लिबरलिज्म वो है फर्स्ट ग्रेड, सुंदर जी मैंने बता दिया था पुत्री आपको, पहले ही बता दिया था, फर्स्ट ग्रेड डिबेट की थ्योरी है। ठीक है, और उसके बाद इंडिविजुअल लेवल की थ्योरी है, और रैशनल क्या है कि इंसान बुनियादी तौर पे क्या है, अच्छा है, मैन इज एल्ट्रुइस्टिक इन नेचर, और लेकिन जो इंसान है वो मीन यूज किया जाता है, एंड नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी अच्छी नेचर शो करने की बजाय, अपनी गुड नेचर शो करने की बजाय कौन सी नेचर शो करने पर मजबूर हो जाता है, इमोरल नेचर। और जरूरत इस बात की है कि इसको रीओरिएंट किया जाए और इंसान को दोबारा जो है उसको एंड कंसीडर किया जाए, ना कि उसको मीन समझा जाए। और न्यूलिबरलिज्म क्या कहते हैं यार, मैंने कब तुम लोगों को सेम कहा था, देखो इसको इस तरह याद रख लो, अगर भूल जाता है ना तो इसको इस तरह याद रख लो कि रिलेटिव गेन जो है इज इक्वल टू रियलिज्म, रिलेटिव गेन इज इक्वल टू, मतलब एक पिज्जे की स्लाइस है ना, रिलेटिव गेन का ये मतलब है कि अगर ए को मिल गई ना वो पिज्जे की स्लाइस, तो बी को फिर वो नहीं मिलेगी। और म्यूचुअल गेन ये होता है कि कुछ फायदा जो है ना वो कुछ आधी स्लाइस ए को मिल जाए और आधी स्लाइस जो है ना वो बी को मिल जाए। ठीक है, और इसको मैंने बताया था कि ये होती है जीरो सम गेम, जीरो मतलब जीरो और सम मतलब एक, कि एक को मिले और दूसरा महरूम हो जाए, और ये होती है सम सम गेम, ठीक है, कि दोनों को मिले। अब इसमें क्या होता है कि ये रियलिज्म में आ जाता है और ये जो है ये नॉन, ये जो है लिबरलिज्म में आ जाता है। ये इतना तो एक्सप्लेन किया था तुम लोगों को। रिवाइज नहीं करते हो, रिवाइज किया करो ना, तो फिर ना बात ही ना हो। अच्छा अब ये जो है ना नियो लिबरलिज्म क्या कहता है कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल अनार्की है, दुनिया के अंदर इंटरनेशनल अनार्की तो है, लेकिन वो इंटरनेशनल अनार्की पावर को इंक्रीज करने से खत्म नहीं होगी। इसका हल ये है
कि आपस में म्यूचुअल कॉपरेशन आप लोग करो, यही बताई थी। और इसका तल्लुक जो है वो थर्ड ग्रेड डिबेट से है और ये स्टेट लेवल की थ्योरी है। और अभी मेरे माइंड में एक ऐसा आइडिया क्लिक हुआ है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें ना सही एप्लीकेशन की समझ आ जाएगी। अब मैं तुम्हें ना ये थ्योरी अप्लाई करके दिखाता हूँ इंडो पाक में, और मैं आपको जो है वो एक ही जो है ना वो पैराग्राफ में ना हम दो स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो अप्लाई करते हैं, हम दो स्कूल ऑफ थॉट अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड बैंक, ये बल्कि मैं लिखता नहीं हूं तो मुझे समझाता हूं कि अप्लाई कैसे करते हैं। देखो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का नाम था ग्लास हाफ फिल्ड। उस रिपोर्ट में ये था कि इंडिया और पाकिस्तान का जो आपस में ट्रेड पोटेंशियल है वो अराउंड $50 बिलियन है, लेकिन जो एक्चुअल इन प्रैक्टिस है ना जो अभी हो रही है ट्रेड वो सिर्फ और सिर्फ $2 बिलियन है। इसकी जो एक वजह है वो ये वजह है कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो कॉपरेट नहीं कर रहे आपस में। अब इसी इवेंट को जब तुम करंट अफेयर में लिख रहे होगे तो सिंपल लिख देना है, लेकिन जब आईआर में लिख रहे होगे तो इन द लैंग्वेज ऑफ आईआर में लिखना है। लिखो कि इन द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक नेम्ड द ग्लास हाफ फिल्ड द एजेंसी हैज क्रिटिसाइज्ड बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया अलाइक। दे बोथ आर वर्किंग इन न्यू रियलिस्ट पर्सपेक्टिव इंस्टेड ऑफ कॉपरेशन एंड गेनिंग म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ सम $50 बिलियन by trade with each other they are working on relative gain agenda with mercantilist policies, ये हम बाद में पढ़ेंगे भी सही। They are losing some $48
बिलियन डॉलर्स पोटेंशियल. द नीड ऑफ द आवर इज टू कॉपरेट ऑन द pattern of neo liberalism. The theory of third grade debate gives a mechanism of cooperation to work for the human development of both countries rather pursuing the national interest and state survival policies. और I'm sorry, मैं पूरे दो साल के बाद लिख रहा हूं तो लिखना मुझे बिल्कुल भूल गया है. सॉरी फॉर माई बैड एक्सप्रेशन. लेकिन तुम ये देखो कि मैं थीरीज को अप्लाई कैसे कर रहा हूँ. देखो, मैंने बात स्टार्ट की पेसिमिज्म के साथ. मैंने बात स्टार्ट की जो वहां पे एक्चुअल कंडीशन है, ठीक है. और मैंने बात स्टार्ट की एक फैक्ट के साथ जो कि फैक्ट एम ए आए बाशनी है, जो वर्ल्ड बैंक का फैक्ट है. और साथ ही मैंने उसको थीरी के साथ एक्सप्लेन करके साथ ही मैंने अपना एक ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन दिया. और उस ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन को मैंने कोड कर दिया किसमें, एक इंटरनेशनल थीरी के साथ. और अपने पैराग्राफ के अंदर मैंने आईआर के जो वो होते हैं जार्गन्स वो भी यूज किए कि इन द रिसेंट रिपोर्ट ये फैक्ट हो गया. उसके बाद किया कि दोनों जो हैं दे आर वर्किंग ऑन न्यूरिस्ट रियलिस्ट पर्सपेक्टिव. सो इंस्टेड ऑफ कॉपरेशन एंड गेनिंग म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑफ सम 50 मिलियन बाय ट्रेड बाय ईच अदर, दे आर वर्किंग ऑन रिलेटिव गेन एजेंडा विद मेन विद मर्केंटाइलिस्ट पॉलिसीज. दे आर लूजिंग सम 48 बिलियन डॉलर्स. द नीड ऑफ द आवर इज टू कॉपरेट on the pattern of neoliberalism. The theory of third grade debate gives a mechanism of cooperation to work for the human development of both countries rather pursuing the national interest and state survival policies. Matlab ek hi paragraph mein maine do theories ko apply kiya, actual situation bhi bata di with facts aur uske sath maine solution bhi de diya. And again, I apologies for bad expression. लेकिन इसको सिर्फ आई आर के कंटेक्स्ट में समझो कि आई आर के कंटेक्स्ट में मैंने देखो कितने जार्गन यूज किए हैं एक पैराग्राफ में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ठीक है, 11 जो है वो जार्गन यूज किए हैं, 2 जो है वो थीरीज यूज किए हैं, और एक जो है वो मैंने फैक्ट यूज किया है. अब जब ये अगला बंदा पढ़ेगा ना तो एक दफा वो भी हिल जाएगा कि यार ऐसे नहीं होती. यार आइडियल एक्सप्रेशन बस यही हो तो कि इसमें ग्रामर श्रामर की गलतियां ना हो और इतना सिंपल लिखा हो जिस तरह बच्चे लिखते हैं.
जैसे किर्सन लिखते, सिंपल से एक्सप्रेशन होना चाहिए इंग्लिश का, और ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, और स्पेलिंग की मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोई एक सिचुएशन है ना, उस पे ये नहीं है कि कोई सिर्फ एक थ्योरी अप्लाई होगी, एक सिचुएशन पे मोर देन वन थ्योरीज भी अप्लाई हो सकती हैं। और जो मेरा स्टाइल रहा हमेशा पेपर में, वो ये मैं करता था, जो एक हकीकत है वो हकीकत यही है कि आप लिबरलिज्म की जितनी भी कहानियां सुना लें, वर्ल्ड स्टिल वर्क्स ऑन रियलिज्म। और लेकिन रियलिज्म का मसला ये है कि दुनिया इस पे काम तो करती है, लेकिन रियलिज्म ऑलवेज गिव ए पैसिमिस्टिक व्यू। लेकिन आपने जब भी अपनी बात को एंड करना होता है, आपने एंड पे जरूर एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देना होता है। तो आप कोशिश करें कि आप एंड पे जो है वो ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी दें। सो आप एक इवेंट में मोर देन वन थ्योरीज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये जो चीजें हैं ना, जैसे मैंने यूज की रिलेटिव गेन, एब्सोल्यूट गेन, ह्यूमन डेवलपमेंट, कॉपरेशन, नेशनल इंटरेस्ट, स्टेट सर्वाइवल और न्यू रियलिस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, रिलेटिव गेन, मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज, ये जो वर्डिंग है ना, जार्गन्स है ना, ये आपने जरूर यूज करने हैं। कुछ बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? अपने आप को फिक्स नहीं कर लेना, अपने आप को कहीं पे फिक्स नहीं कर देना कि यार ये इवेंट है और उसके ऊपर यही थ्योरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीपल थ्योरीज दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ सेम पैटर्न। सर, कश्मीर इशू पर उनका जो रोल है वो फेल्ड है, तो इस पर कॉपरेशन तो ना हुआ, तो न्यू लिबरलिज्म तो नहीं होगी अप्लाई इस पर। जी, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करें, जो एक्चुअल सिचुएशन है, देखो ना, देखो मेरी बात सुनो, चाइना यूएस, एक्चुअल सिचुएशन क्या है? न्यू रियलिज्म, ठीक है। इंडो पाक, एक्चुअल सिचुएशन क्या है? न्यू रियलिज्म। चाइना इंडिया, एक्चुअल सिचुएशन क्या है? न्यू रियलिज्म, ठीक है। लेकिन आपने न्यू रियलिज्म के साथ एक्चुअल सिचुएशन को कर लेना है, लेकिन जब कंक्लूजन की तरफ आना है ना, तो एंड पे आपने न्यू लिबरलिस्ट का, आपने इंटरनेशनलिज्म का, आपने कैंटियन पीस मॉडल का तड़का जरूर लगाना है। तड़का समझते हैं ना, और जब सालन बनता है ना, तो एंड पे अम्मा जान वो थोड़ा सा लगाती होती थी। नहीं, आप जो है ना वो जरूर बनाएं, आप ये जरूर बनाएं, अपनी आउटलाइन जो है ना वो जरूर ड्राइव करें, आउटलाइन शुरू में जरूर ड्राइव करें। चलो अब एक और थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, और उसको ना फिर एक और तरीके से करते हैं कि पहले थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, और थ्योरी से स्टार्ट करके ना फिर हम फैक्ट की तरफ आएंगे, ठीक हो गया। हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिविज्म, यार बच्चों तुम लोग मतलब कहां से उठ के आए हो यार, मुझे इतना दुख हो रहा है, मतलब अभी वही तो मैं बार बार बात कर रहा हूँ। सैरिश, मैं क्या कह रहा हूँ कि पाक सऊदीया है ना,
तो मैं ये कह रहा हूं कि आप एक इवेंट पे अपने आप को बाउंड ना करें। चलो अब इसी पाक सऊदी है ना, आप एक इवेंट पे बाउंड ना करें कि इस पर यही थ्योरी लगेगी, इस पर लिबरलिज्म लगेगी। मैं कह रहा हूं आपको, मैंने फ्री किया है, मैंने आपको सारी थ्योरीज की इची बीची पढ़ाई है, मैंने आपको इस काबिल किया है कि आप थ्योरीज के साथ खेलो। आप इस इवेंट पे जैसे तुम कह रही हो लिबरलिज्म, मैं इसी पे आपको कंस्ट्रक्टिविज्म अप्लाई करके दिखाता हूं, मैं इसी पे आपको कंस्ट्रक्टिविज्म अप्लाई करके दिखाता हूं, ठीक है। जैसा कि हम लिखते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी ऑफ द फोर्थ ग्रेट डिबेट ऑफ आईआर। आईआर कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थियरी ऑफ द फोर्थ ग्रेट डिबेट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस व्हिच स्टार्टेड राइट आफ्टर the Cold War era. The framework of this theory denied to accept the rationales of international anarchy enshrined by new realism and new liberalism. According to the theory, in the context of Pak-Saudi relations, the relationship between Islamabad and Riyadh are established by a construct. The shared ideology of the Muslim Brotherhood and ideology of Islam is the are the roots of their relationships. Though both of them has faced some serious crisis in the wake of ongoing KSA Yemen war, when
द न्यू रियलिस्ट एलिमेंट्स वर एट पीक. इस्लामाबाद वाज रेजिस्टेंट टू सैक्रिफाइस हिज हर इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी एट द कॉस्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन मिडल ईस्ट क्राइसिस. हाउएवर देयर इज अ स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एज बोथ कंट्रीज कैन वर्क इन न्यू लिबरलिस्ट perspective and can work on soft interest of cooperation by using the platform of International institutionalism provided by the Organization of Islamic Cooperation. मैंने एक पैराग्राफ में तीनों थ्योरीज यूज की हैं. देखो, स्टार्ट किया हमने, हमने कहा कि कंस्ट्रक्टिविज्म को एक्सप्लेन किया कि कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी ऑफ फोर्थ ग्रेड डिबेट. यहां से उसको इंप्रेस किया, ठीक है, of which started right after the Cold War. The framework of this theory denied to accept the rationales of international anarchy enshrined by neorealism and neoliberalism. According to the theory, in the context of Pax of the relations, the relationship between Islamabad and Riyadh are established by a construct. The shared ideology of the Muslim Brotherhood and ideology of Islam are the roots of their relationship. Though both of them has faced some serious crisis in the wake of ongoing KSA Yemen war, when the new realist elements were at peak, Islamabad was resistant to sacrifice their integrity and sovereignty at the cost of involvement in the Middle East crisis. However, there is still room for improvement as both countries can work in new liberalist perspective and can work on soft interest of cooperation by using the platform of international institutionalism provided by the OIC, your Organization of Islamic Cooperation. यार नहीं, देखो मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ. जब तुम असल पेपर कर रहे होगे ना, जब तुम असल पेपर कर रहे होते हो, तब तो तुम्हारे पास रूम बहुत ज्यादा होता है ना लिखने के लिए. तब तुम्हारे पास रूम, देखो मैं तो सिर्फ एक एक एस्पेक्ट पे लिख रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ एक आर्गुमेंट पकड़ता हूँ
और उस एक आर्गुमेंट पे तीन तीन थीरीज अप्लाई कर रहा हूँ। जब तुम लोग ब्रॉडर परस्पेक्टिव पे लिख रहे होगे, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे, तो उसके अंदर तुम्हारे पास रूम बहुत ज्यादा होता है, तुम्हारे पास नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं, और उन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में जब तुम डिटेल में लिख रहे हो तो उसमें आप मुख्तलिफ थीरीज अप्लाई करते जाओ और उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में लिखते जाओ। यार कसम से ये सारी गप्पे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि आईआर मुश्किल है और जो है ना वो आईआर की थीरीज बड़ी मुश्किल है अप्लाई करना ये वो। जब आपके जेन में ये बात होती है तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं होता सर। इनश्राइंड बाय न्यूरिस्ट एंड यार इसमें क्या मतलब है जरा भी, क्या बता करूँ। वो कहता है कि मतलब क्या पे वो कहता है कि फेस सम सीरियस क्राइसिस, जब केएस से यमन की वॉर हो रही थी ना तो इन्होंने सम सीरियस क्राइसिस फेस किए, और इसके अंदर न्यू रियलिस्ट एलिमेंट्स वर एट पीक, इस्लामाबाद वाज रेजिस्टेंट टू सैक्रिफाइस। ओ किथे मैं अनशरण लिख बैठा, हाँ हाँ हेडिंग देके भी कर सकते हैं, कहाँ पे लिखा है, हाँ ये लिख दिया इधर मैंने, यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो फ्रेमवर्क है ना इसका, द फ्रेमवर्क ऑफ दिस थ्योरी, मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म का जो फ्रेमवर्क है ना वो इंटरनेशनल अनार्की को जो पेश की गई अकॉर्डिंग टू द रियलिज्म कंस्पेक्ट और लिबरलिज्म कंस्ट्रक्ट। अब अगर कोई आपका आईआर का पेपर चेक करने वाला बंदा होगा ना तो वो आपसे यहीं पर इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे उसको एक बहुत बड़ी बात बताई है, आपने उसको ये बताया है कि इंटरनेशनल जो अनार्की है ना वो सिर्फ रियलिस्ट का एजेंडा नहीं है, वो दोनों का एजेंडा है, वो एजेंडा यहाँ पे रियलिस्ट का भी है और वही एजेंडा यहाँ पे लिबरल्स का भी है। नाउ इट इज अपॉन यू कि हाउ यू प्ले विद दिस थिंग। हाँ कंस्ट्रक्टिविज्म हर जगह यूज हो सकती है यार, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो, मैं अब क्या पश्तो में या फारसी में कहूँगा, मैं कहता हूँ कोई भी इवेंट है उसके ऊपर तुम हर थीरी अप्लाई कर सकते हो, मतलब तुम लोगों को समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, मैंने तुम्हें देखो ये जो थीरीज है ना, ये जो थीरीज है ना लोग पता क्या करते हैं, ये सिर्फ एक क्लास जो होती है ना डेढ़ घंटे की, एक क्लास जो डेढ़ घंटे की होती है ना उसी में लोग थीरीज पढ़ा देते हैं, ठीक है वो कहते हैं कि चलो ये थीरीज होगी। मैंने तुम्हें चार क्लासेस तीन घंटे की करवाई है और सिर्फ वो थीरीज पे रखी है, वो इसलिए रखी थी ताकि मैं तुम्हें हर एस्पेक्ट बताऊं और तुम अपने आप को लिमिट ना कर बैठो सिर्फ एक बात पे, बस अपने ज़ेहन को खोलो, अपने ज़ेहन को ब्रॉड करो और कोई भी एक इवेंट है उस पे तुम हर थ्योरी को अप्लाई कर सको। और तुम ये देखो, ये देख रहे हो कि यार ये इवेंट है इसको कौन सी थ्योरी यहां पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही है। अब तो यार टीना को भी समझ आ गई है, अब तो कुछ ख्याल करो तो यस कह दो। यार मैं वो ही कह रहा हूं शहबाज के जो मर्जी अप्लाई कर दो यार, मतलब मिट्टू मैं कह रहा हूं कि जो मर्जी तुम्हारा दिल करता है, जिस इवेंट पे जो तुम्हारा दिल करता है उसमें जो मर्जी अप्लाई कर दो,
और उल्लू के पट्टों में ये कह रहा हूं कि ये तुम्हें बात समझाई है ना कि मैं तो सिर्फ एक एस्पेक्ट ले रहा हूं। पेपर में तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन होने हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन में एक, दूसरी में दो, तीसरी में चौथी में पांचवें में, मतलब तुम्हारे पास कंटेक्स्ट ज्यादा होगा ना, कंटेक्स्ट ज्यादा होगा। मैंने तुम्हें इसलिए डीपली पढ़ाई है कि जो तुम्हारा दिल करे तुम उस बात को उसी कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो। अबू को बताओ ना कि सर जो है ना वो गलत बंदों के हाथ चढ़ गए हैं। यार मैंने अपने उसके लिए ना आपको पहले ही माजत कर दी थी, अपने एक्सप्रेशन के लिए मैंने हर क्यों लगाया उसके लिए, आई एम सॉरी मैं ना वो बड़े दिनों बाद लिखा है। बाकी फोर्थ ग्रेड डिबेट की जो बाकी थीरीज थी, क्रिटिकल थीरी है, वो हम बाद में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिटिकल थीरी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी? हाँ मेरी फेवरेट, हाँ पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ी थी ना, पोस्ट मॉडर्निज्म। ये जो दोनों पढ़ाई थी ना, इसमें ये वाले में मार्क्सिज्म एंड न्यू मार्क्सिज्म, ये हम दोबारा भी पढ़ेंगे, ये मतलब मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होती है? पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहती है, हाँ फेमिनिज्म भी पढ़ी थी, फेमिनिज्म तो मुश्किल नहीं है ना, फेमिनिज्म तो आसान थी, पोस्ट मॉडर्निज्म को बंदा बार बार कह रहा था। तो मेरे भाई ये देखो, पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहती है, पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहती है कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सारे का सारा सब्जेक्टिव इन नेचर है। दुनिया के अंदर कोई सच नहीं है, कोई झूठ नहीं है, सब कुछ जो है वो रिलेटिव है। अब लोग करते क्या है, लोग ये करते हैं कि लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली जो सब्जेक्टिव रियलिटीज हैं उनको मोल्ड कर दिया जाता है, और मोल्ड करता है मीडिया। मीडिया क्रिएट करता है एक नोशन ऑफ अदरनेस, और उस नोशन ऑफ अदरनेस में मीडिया ये कहता है कि एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, और हम अच्छे हैं और तुम बुरे हो। तो समझाया ये था कि यूएसए या जो भी पावरफुल कंट्रीज हैं वो मीडिया का टूल यूज करके अपने आप को पावरफुल डिक्लेयर कर लेते हैं, अपने आप को अपने नोशन को अच्छा करा देते हैं, और कहते हैं कि बाकी सारे के सारे गलत हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहती है कि इस चीज को बदलने की जरूरत है। और आपको समझाने के लिए मैंने ये बात बताई थी कि आप पोस्ट मॉडर्निज्म की थीरी को बेस बनाकर आप पोस्ट मॉडर्निज्म को ही गलत साबित कर सकते हैं। और सच्ची बात यही है कि आज के बाद हमने जितना आगे पढ़ना है ना, वो सारी की सारी खानापूरी है। खानापूरी समझते हो ना? मतलब यार आगे सारी गप्पे हैं, लाइक मतलब इजी चीजें हैं, हलवा है सारा ना। मतलब आप कहोगे कि यार ये हम क्या पढ़ रहे हैं ना, ये आया था इसके लिए, ये कहा गया था कि ये जी बड़ा इसके अंदर कोई कंसेप्ट होता और ये होता। हाँ ना, वार्स, हिस्ट्रीज, वार क्यों हुई, ये सारा कुछ हुआ और ये सारी चीजें ना। लेकिन हाँ ये बात है कि जो आगे पढ़ रहे हैं ना, ये पे ना मुझे ये बड़ी है कि आगे ना, मतलब ये चीजें आपके बाकी पेपर में बड़ी काम आएंगी, ये जितनी की हम चीजें पढ़ रहे हैं ना, आपको ये बाकी पेपर में बहुत ज्यादा काम आएंगी। तीना खुदा का नाम लो, ब्रेक दे दें। चलो ठीक है, ब्रेक ले लो, 1:08 हो गए
और 1:30 तक ब्रेक ले लो, उसके बाद हम पढ़ते हैं 10:30 तक, ठीक है? और क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं होता, ये क्रिटिकल थ्योरी तो दोबारा आ जाएगी ना उसमें, जब हम मार्क्स एग्जाम न्यू मार्क्स एग्जाम पढ़ रहे होंगे ना, तो क्रिटिकल थ्योरी तो वहां पे दोबारा भी आ जाएगी। जी जी हनान, हनान आप बॉय हो कि गर्ल हो? आप ही हो कि भाई हो? मरियम आपसे तो मुझे अब डर ही लगता है यार। चलो पूछो क्या बात है। हाँ जी मरियम पूछो। वो थी हनान, अपना रोल नंबर लिखो। आशा बड़ी सख्त हुई है आज। रोल नंबर लिखो अपना, या आशा को मैसेज करके बताओ कि तुम्हारा रोल नंबर क्या है। नहीं लिखा हुआ हनान बुखारी का, कहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है? चलो थैंक यू राणा साहब। राणा साहब आप हमें बहुत प्यारे हैं, उसकी वजह ये है कि आप हमारे साथ वो पहले जन्म से हैं। चलो मरियम देख लो, अब तुम जाना वो पर्सनल बातें करने लगी हो। इतनी गलत बात ना, लोग पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे? चंगा भला इमेज मेरा बना हुआ है ना, खराब करो। हुमा क्रिटिकल थ्योरी जो है वो आगे आएगी बेटा। क्रिटिकल थ्योरी आगे आएगी। पर कौन कौन हो ये यूएफ से कौन कौन हो, जरा मुझे पता तो चले ना हु इज फ्रॉम यूएफ। एक तो सफदर होगा, सफदर तो फिर जानो मानो है ना अपना, और मरियम है, और कौन है? हमजा। यार तुम लोग, तुम्हारा आईजी एजी कौन कौन सा है? ओ काटिया साहब भी है, वाह 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 क्या बात। सितार और मेजर। अच्छा पीपी है। यार यकीन होता है कि तुम्हारा जो है ना वो एग्रेरियन फॉलो फेलो भी इतना अच्छा तुम्हें पढ़ा सकता है कि नहीं होता? सच्ची सच्ची बताना, यकीन तो नहीं होता होगा। कहते हो कि यार ये क्या मतलब बंदा है, अपना रहा है लेकिन अपना लगता नहीं है। ऐसी फीलिंग्स आती है कि नहीं आती? सच्ची सच्ची बताना। बस देख लो वीरे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। जी जी बच्चों पूछो क्या काम है। नहीं यार आप एकरानी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मिठू आज हमने जुनेद कुछ भी नहीं पढ़ा, आज हमने रिवाइज किया है सारा। हाँ जी ब्रेक है, पता नहीं क्यों आज तुम लोगों ने जल्दी ले ली है।
मरियम चट्टा साहब परवेज के सुपरवाइजर हैं और दुनिया में बड़ी बड़ी कहानी देखी है, चट्टा साहब से बड़ी कहानी नहीं देखी। यार मिठू, आपका पाक अफेयर इसी में क्लियर हो जाएगा ना, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका पाक अफेयर इसी में क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम्हें वाकई लगा कि तुम्हें पाक अफेयर का सेशन लेने की जरूरत है तो फिर यार असद, आप जिस चीज को मर्जी कर लो, या थीरी को पहले कर लो या उसको बाद में कर लो, इट्स अपन यू। यार मेरा 10 था आवाज, 210 है जी। नहीं रिदा, बिल्कुल भी नहीं अभी, क्योंकि देखो ना हो गया अभी जो मेजर पोर्शन था। देखो अभी जो हम आगे पढ़ेंगे ना वो आपको आसान इसलिए लगेगा क्योंकि मैंने आपकी बेस बना दी है। अब जी जिस बंदे की ये 4 क्लासेस की बेस नहीं है, 5 क्लासेस की, तो उसको तो अब समझ तो आ जाएगी लेकिन वो उसको आया के कंटेस्ट में समझ नहीं आएगी। सो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मुझे तो जारी बात है पैसे मिल रहे हैं, बट आई वुडंट रिकमेंड। अच्छा यार टेक ए ब्रेक, और ब्रेक के बाद बस ये माइंड में रखो कि वी हैव डन द डिफिकल्ट पार्ट और जो आगे है वो सारा इजी है। यार ये एमर्सन कॉलेज से कौन है? यस आई हैव डन माई एफएससी फ्रॉम कॉमेट एमर्सन कॉलेज मुल्तान। चलो बच्चों सी यू आफ्टर 15 मिनट्स, मैं थोड़ा ना काम कर लूं। उसको इनाम मिलेगा ठीक है। हांस जे मॉर्गेंथाउ, ये किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है? वाओ, क्योंकि अब जो है ना बंदे ज्यादा हो गए हैं इसलिए नाम जो है ना वो कैंसल हो गया। रियलिज्म, और रियलिज्म में आप बार बार एक टर्म सुनोगे, पावर पावर पार 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 क्या होती है? कभी हमने सोचा है पार क्या होती है? व्हाट इज पार? तो मुझे ना, मैंने कभी डेफिनेशंस याद नहीं की, मैंने कभी रटा नहीं लगाया। ये जिंदगी की वाहिद डेफिनेशन थी जो मैंने रटा लगाया था, ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मॉर्गेंथाउ ने पावर की इतनी खूबसूरत डेफिनेशन लिखी ना, वो कहता था, ये पूरी याद कर लो, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अगर तुम्हें भी अच्छी लगे तो याद कर लेना। कहता था कि साइकोलॉजिकल रिलेशन, ये एक ही चीज है जो मैंने सीएसएस में रट्टा लगाई थी, बिटवीन दोज हु एक्सरसाइज इट एंड कौन एंटर हो रहा है एंड दोज ओवर होम इट इज एक्सरसाइज्ड इट गिव्स द फॉर्मर a control over certain actions of the latter. Through the influence that the farmer exerts over the latter's mind.
इससे अच्छी मैंने जिंदगी में कभी कोई डेफिनेशन नहीं देखी, मतलब कंप्रीहेंसिव इन ईच एंड एवरी सेंस। पावर, पावर सुनते हो, पावर क्या होता है? पावर होता है, सबसे पहली बात इसको नोट करो, एक साइकोलॉजिकल रिलेशन होता है। पावर एक साइकोलॉजिकल रिलेशन होता है किसके दरमियान? जो इसको एक्सरसाइज कर रहा होता है और जिसके ऊपर एक्सरसाइज हो रही होती है। इट गिव्स द फार्मर, मतलब जो इसको एक्सरसाइज कर रहा होता है, अ कंट्रोल ओवर सर्टेन एक्शन, मतलब कुछ खास चीजें उसके हैंड में दे देता है जो लेटर ने करनी होती हैं, और जो उसका माइंड होता है जिसके ऊपर एक्सरसाइज करनी होती है पावर, उसको असल में जो अप्लाई कर रहा होता है वो कंट्रोल कर रहा था। मतलब यूएसए है, यूएसए के पास पावर है, तो यूएसए कर रहा होगा पावर एक्सरसाइज किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान के ऊपर पावर एक्सरसाइज हो रही होगी, तो पाकिस्तान के कुछ जो एक्शंस हैं वो किसके कंट्रोल में चले जाएंगे? वो कंट्रोल में चले जाएंगे यूएसए के। तो मॉर्गेंटाउ यही कहता है कि पावर एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप है, जिसमें वो एजेंसी जो पावर को यूज कर रही होती है वो दूसरे के माइंड को एक्सप्लॉइट करती है और उसके ऊपर जो है ना वो कब्जा कर लेती है। अब ये सारी डिबेट, ये पावर, ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमारा जो अगला टॉपिक है, थ्रू द इन्फ्लुएंस दैट द फार्मर एक्सर्ट्स ओवर द लेटर, दैट द फार्मर एक्सर्ट्स ओवर द लेटर। हमारा जो असल में अगला टॉपिक है ना, वो सारा का सारा बेस ही पावर पे कर रहा है। हमारा जो अगला टॉपिक है, That is concept of security in 21st century। एक चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस चीज को तुम लोगों ने कभी भी नहीं भूलना। I am particularly talking about 21st century, कि सिक्योरिटी का 21st century में क्या एस्पेक्ट है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ट्रेडिशनल थॉट में, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ी चीज क्या थी भला? कौन मुझे इसका ना जिस्ट बताएगा याद करने की? IR की कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, IR की कंटेक्स्ट में, मतलब अगर इसको सम करना हो तो हम किस चीज को बेस बना के इसको सम कर सकते हैं? बस CSS में ना यही एक चीज होती है कि आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन आपको यही नहीं पता चलता कि यार अब इस पढ़े हुए के अप्लाई कैसे करना है। वेरी गुड हाशिम, सारा सोना जो है ना वो आपका हुआ। मैंने आपको पहले दिन ही समझाया था कि जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वही आपकी सिक्योरिटी होती है, और मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो आपके नेशनल इंटरेस्ट हैं वही आपके नेशन स्टेट सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स थे वही आपके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और वही आपकी सिक्योरिटी होती है, और पांच चीजें जो हैं वो आपकी सिक्योरिटी होती हैं। नाउ इट अपॉन यू कि आप उसको याद कितना रखते हो। एनी हाउ इस बात को लेके आपने, हमने ये पढ़ना है कि जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो क्या होते हैं? नेशनल ट्रस्ट आपकी क्या होती है? सिक्योरिटी होती है, ठीक है। और नेशन स्टेट की जो प्रिंसिपल्स होते हैं
उनकी जो प्रोटेक्शन होती है वो ही आपके ऑलमोस्ट नेशनल ट्रस्ट होते हैं। अब किसी भी स्टेट की जो पॉलिटिकल पॉलिसीज होती हैं, किसी भी स्टेट की जो पॉलिटिकल पॉलिसीज होती हैं उनका इम्पैक्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे पड़ता है। यूएस की पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं, उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे पड़ता है। चाइना की पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं, पॉलिटिकल मतलब जो भी वो अपने स्टेट में पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज, उनका इम्पैक्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे पड़ता है। पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे पड़ता है। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है ये किस चीज ने डिफाइन किया है? कंट्रीज की पॉलिटिकल पॉलिसीज ने, पॉलिटिकल पॉलिसीज ने। और इसी चीज को तुम रिवर्स भी कर सकते हो कि जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर बनता है वही आपकी पॉलिटिकल पॉलिसीज को भी शेप देता है। इट्स सो सिंपल, दीज आर एक्चुअली वाइस वर्सा। इसने कहा था सारी गप्पे हैं मिठू। वो जो इकोनॉमिक वाली बात है ना, वो क्रिटिकल थ्योरी के लिए, वो क्रिटिकल थ्योरी के लिए। एग्जांपल ये है कि यूएस चाइना में वॉर स्टार्ट हुई, ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई। उस ट्रेड वॉर की वजह से यूएस ने अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज बनाई और चाइना से बायकॉट करना शुरू कर दिया। उन पॉलिटिकल पॉलिसीज की वजह से जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है वो शेप हुआ, ठीक है। अब यूएस की उसके बाद जितनी भी आगे पॉलिटिकल पॉलिसीज बनेंगी उस दिन के बाद, वो सारी की सारी इस इंटरनेशनल स्ट्रक्चर पे बेस कर रही होंगी। और एक्चुअल बात ये है कि कोई स्टेट इंटरनेशनल लेवल पे जितना भी इंटरेक्शन करती है, कोई भी स्टेट इंटरनेशनल लेवल पे जितना भी इंटरेक्शन करती है उसके अंदर जो स्टेट का सबसे प्राइम चीज होती है वो क्या होती है? कि रजिया गुंडों में फंस गई है और गुंडों से निकलना है बच बचा के। देखो स्टेट एक अलग दुनिया में तो नहीं ना रह सकती, एक अलग दुनिया में, खिला में, स्पेस में तो नहीं ना रह सकती। उसको इंटरेक्शन तो करना है ना कि नहीं करना? इंटरेक्शन तो करना है, लेकिन इस इंटरेक्शन में अपने इंटरेस्ट को, अपनी सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना है, अपनी सिक्योरिटी को भी बचाना है। चलो अब ना, अब ये जो टॉपिक है ना हमारा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके पाक अफेयर में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था जो हम अभी पढ़ेंगे। वो आपके पाक अफेयर में 2020 का एक क्वेश्चन था, आपके पाक अफेयर का वो 2020 का क्वेश्चन था। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। और मुझे डर ये है कि उसके अंदर अक्सर लोगों ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं सारे आईआर की बेस के। जब आपकी आईआर की बेसिस क्लियर नहीं होती तो आपको क्वेश्चन कभी समझ नहीं आते।
अब हम इस 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 इसका ना इसको क्या कहते हैं, जेनेसिस ऑफ डिबेट करते हैं कि इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी ऑफ 21st सेंचुरी का मतलब क्या है, इस डिबेट का मतलब क्या है। आपको याद है कोल्ड वॉर हुई थी और कोल्ड वॉर में कैपिटलिज्म था और कोल्ड वॉर में कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म वाली कौन सी वर्ल्ड थी, फोर्थ वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड। शाबाश, चलो यार कभी याद तो करोगे ना कि बंदे ने कंसेप्ट तो क्लियर करवाए थे, वरना लोगों को पता नहीं होता कि सेकंड वर्ल्ड होती क्या थी। अच्छा कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, ठीक है। अच्छा कोल्ड वॉर जो थी असल में वो, ये मैं बड़ी बात करने लगा हूं अगर तुम इसको समझ सको तो, कोल्ड वॉर दो थीरीज की भी वार थी। डू यू एग्री? यस। कौन कौन सी थीरीज की वार थी? रियलिस्ट एंड लिबरल्स। अब देखो, जब मैंने तुम्हें थ्योरी एप्लीकेशन करना सिखाई है, जब मैंने तुम्हें अब थ्योरी एप्लीकेशन करना सिखाई है, मुझे ये बताओ कि कोल्ड वॉर में तुम इन दोनों में से कौन सी थ्योरी अप्लाई करोगे? मैंने तुम्हें एप्लीकेशन करना सिखा दी है, कोल्ड वॉर में कौन सी थ्योरी अप्लाई करोगे, लिबरलिज्म के रियलिज्म? शाबाश, अब तुमने मेरा दिल खुश किया, दोनों। अब मैं तुम्हें इवेंट्स बताता हूँ, फिर तुम खुद ही समझ जाओगे। मतलब जो हमने सीखा है ये मैं दोबारा उसको आपको प्रूफ दे रहा हूं कि आप दोनों थ्योरीज अप्लाई कर सकते हैं। देखो पहले रियलिज्म बताऊं, चलो पहले रियलिज्म बता देता हूँ। कोल्ड वॉर में एक चीज हुई, कोरियन वॉर। तो जब आप कोरियन वॉर को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या लिखेंगे? नियो रियलिज्म। कोल्ड वॉर में एक वियतनाम वॉर हुई, तो जब आप वियतनाम वॉर को लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? जिन लोगों ने यूएस हिस्ट्री पढ़ी है उनको तो सारा याद आ रहा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ी तो डोंट वरी, जब हम कोल्ड वॉर पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सारी वॉर्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस लिखेंगे, अब जिन लोगों ने मुझसे यूएस हिस्ट्री पढ़ी है मुझे ये बताओ कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में न्यू रियलिज्म तो था, लेकिन यहां पे एक मेजर चीज, एक आईआर का बहुत बड़ा जार्गन यूज होगा, कौन सा होगा? नाना बताया तो मैंने यहीं से जूती उतार लेनी है। प्रिजनर्स डायलेमा, सिक्योरिटी डायलेमा, ठीक है। उसके बाद अफगान वार, क्या ये सारे यहां पे रिलिज्म यूज होती है? कोल्ड वॉर में रिलिज्म यूज होती है। अच्छा, अब इसी कोल्ड वॉर को हम लिबरलिज्म पे लेके जाते हैं, इसी कोल्ड वॉर को हम लिबरलिज्म पे लेके जाते हैं। कैसे? याद है साल्ट? बच्चों साल्ट याद आई? जवाब ने पहले लिख दिया, शाबाश। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, स्टार्ट याद आई? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। और क्या था? डिटेंट कोर्डियल याद आया? कि जो कोल्ड वॉर में एक ऐसा पीरियड था जिसके अंदर पीस था जिसके अंदर, और एक और अग्रीमेंट हुआ था जिसको कहते हैं सॉल्ट।
ये तुम लोगों को नहीं पता होगा, ये था स्ट्रेटेजिक। अच्छा, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है न्यूक्लियर, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है न्यूक्लियर, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है न्यूक्लियर, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन स्ट्रेटेजी। बच्चों ये सारी की सारी जो है ना वो यूएस हिस्ट्री से हैं ये सारी चीजें, ठीक है ना, लेकिन देखो अप्लाई यहाँ पे भी हो रही हैं। अच्छा, अब क्या लिबरलिज्म भी अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अब आया यार, मुश्किल लग रहा है कि आसान लग रहा है? मतलब वो जो मैंने तुम्हें बात बताना चाह रहा था स्टार्ट में कि तुम कोई भी थ्योरी उठा के कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, तो वो कर सकते हो। अब मजा तब है तुम मुझे कंस्ट्रक्टिविज्म अप्लाई करके दिखाओ। कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे अप्लाई करोगे? यूएस के रिलेशनशिप यूके के साथ और यूएस के रिलेशनशिप यूएसएसआर के साथ। यूके के साथ आइडियोलॉजी है ना, न्यूक्लियर वेपन्स तो इसके पास भी थे, न्यूक्लियर वेपन्स तो इसके पास भी थे, लेकिन वो खतरा नहीं है, इसके न्यूक्लियर वेपन्स खतरा है। और दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तसल्ली हो गई है? चलो अब हम अपनी डिबेट की तरफ वापस आते हैं। एक बंदा था गॉर्बाचीव, गॉर्बाचीव ने 1983 में ये सोचा कि अगर यूएसएसआर इसी तरह चलता रहा, अगर यूएसएसआर इसी तरह चलता रहा तो यूएसएसआर जो है वो फेल हो जाएगा। उसने यूएसएसआर को रिफॉर्म करने की कोशिश की, उसने यूएसएसआर को रिफॉर्म करने की कोशिश की। उसने दो थ्योरीज दी, एक को कहते हैं ग्लास नॉस्ट और एक को कहते हैं पेरी स्ट्राइका। देखो ये बड़ा आसान है, एक एनालॉजी तुमने याद रखनी है, ग्लास को तुमने याद रखना है, ग्लास नॉस्ट को याद रखना है ग्लास से। अब ग्लास में चीजें कैसे नजर आती हैं, ग्लास में चीजें कैसे नजर आती हैं? ट्रांसपेरेंट, क्लियर। तो इसकी जो ये थ्योरी थी, ये जो इसका कंसेप्ट था ग्लास नॉस वाला, इसमें वो ये कहता था कि फ्री मीडिया हो। उसने कहा कि मीडिया जो है वो फ्री होना चाहिए, लेकिन असल में ये चाहता था कि जब फ्री मीडिया होगा तो लोग जो हैं इस फ्री मीडिया में जो लोग कम्युनिज्म से नाखुश हैं, उनको कम्युनिज्म की असल पिक्चर मिलेगी। ये वो चाहता था, लेकिन तवीज जो हैं वो क्या पड़ गए, तवीज पुठे पड़ गए और महबूब जो है वो गले लगने की बजाय गले पड़ गया। हुआ ये कि मीडिया ने यहां पे गलत काम किया, मीडिया ने बजाय कम्युनिज्म को प्रमोट करने के, मीडिया ने कम्युनिज्म को टारगेट करना शुरू कर दिया। ओप्स, अब क्या करें? अब ये हुआ कि उसने पेरेस्ट्रॉयका में दो काम किए, उसने इकोनॉमी को भी रिफॉर्म किया,
और उसने पॉलिटिक्स को भी रिफॉर्म किया, इकोनॉमी को कैसे रिफॉर्म किया कि उसने जो कुछ प्रोडक्ट्स थे कुछ सेक्टर्स में उसने प्राइवेटाइजेशन कर दी, और पॉलिटिक्स में भी कुछ कुछ जगह पे कुछ डिस्ट्रिक्ट में उसने इलेक्शन करवा दिए। अगर तुम्हें याद हो तो इस थीरी को, इस सारा कुछ को गॉर्बचेव की न्यू थिंकिंग पॉलिसी कहते हैं। और इसी को ही रा अप्रोचमेंट कहते हैं। लेकिन The most important thing is this. ये जो raw approachment थी, ये जो policy of new thinking थी, this was the final blow to the USSR. मतलब US ने अपने ही against जो है वो काम करना शुरू कर दिया था। उसका leader USSR की वो policies, यूएसएसआर की वो पॉलिसी जिस पे यूएसएसआर डिपेंड कर रहा था, उन्हीं के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। इवन कि गॉर्बचेव ये भी कहता था कि मुझे उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद आ रही कि यूएस मस्ट बी हैप्पी या पता नहीं सैड कि मैंने यूएस की एक हेल्प कर दी है कि यूएस का आप कोई एनिमी नहीं रहेगा। लेकिन इस सारे कुछ में, इस सारा कुछ करने के बाद यूएसएसआर फेल तो हो गया लेकिन यूएसएसआर के फेल होने के साथ एक बहुत बड़ी चीज फेल हो गई जिसको कहते हैं रियलिज्म। रियलिज्म धराम से नीचे गिर गई, क्योंकि रियलिज्म तो बात करती है स्टेट सिक्योरिटी की, रियलिज्म तो बात करती है इंटेग्रिटी की, रियलिज्म तो बात करती है सोवरेनिटी की, और इन चीजों की धज्जियां उड़ गईं। और मजे हो गए लिबरल्स के कि देखो हम कहते नहीं थे कि असल चीज जो है वो कॉरपोरेशन है, ये है वो है। इस इरा में लिबरल रियलिस्ट का बड़ा बुरा हाल था। तो यहां पे एक बंदा उठा जिसका नाम था बैरी बुजान। ये कह लो कि ये रियलिस्ट की हेल्प करने आया, और उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि आज के दौर में सिक्योरिटी खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है कि 20th century में सिक्योरिटी का कंसेप्ट खत्म हो गया है। उसने कहा कि सिक्योरिटी है, लेकिन ये जो सिक्योरिटी है ये न्यू पैटर्न पे है, और इसको कहते हैं न्यू पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी इन 21st century। अब ये जो चीज है, ये उसका पूरा एक पेपर था जिसने पब्लिश करवाया, उसने एक और पेपर पब्लिश करवाया, उसको कहते हैं पीपल स्टेट एंड फियर। उसने बड़ी खूबसूरत बात की, असल में वो रियलिस्ट को रेस्क्यू करने आया, ठीक है। और उसने लोगों को बताया कि देखो लिबरलिस्ट क्या कह रहे थे कि दुनिया से सिक्योरिटी का कंसेप्ट क्या हो गया है, कोल्ड वॉर के बाद खत्म हो गया, फिनिश, ठीक है। और बैरी बुजान किसकी हेल्प करने आया
रियलिस्ट की, और इसने दो एसेज लिखे, दो एसेज लिखे कौन कौन से? नंबर वन, सीधे हो जाओ, नहीं होना, ये भी ना एक दफा उल्टा हो जाए ना सीधा ना नाम मिले। दो ऐसे लिखे इसने, न्यू पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी एंड पीपल स्टेट एंड फेयर। असल में इसने क्या किया, इसने जो रियलिस्ट का पहले वाला सिक्योरिटी का कंसेप्ट था, उसने उस कंसेप्ट को एक्सपेंड कर दिया। एक्चुअली ही एक्सपेंडेड द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल बच्चों वाली कहानी है। उसने क्या किया, उसने ये किया, उसने सिक्योरिटी को एक्सपेंड किया। देखो पहले सिक्योरिटी, ट्रेडिशनली सिक्योरिटी सिर्फ कहां तक थी, ट्रेडिशनली सिक्योरिटी सिर्फ कहां तक थी, स्टेट तक, नेशन स्टेट सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स थे उन तक। इसने आके एक्सपेंड किया और सिक्योरिटी को वो मिलिट्री अप्रोच से, सिक्योरिटी को मिलिट्री अप्रोच से ये बंदा लेके गया नॉन मिलिट्री अप्रोचेस तक। और ये बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं, और ये आईआर का आपका वो भी है, क्या कहते हैं उसको, जार्गन भी है, ये सिक्योरिटी को हार्ड थ्रेट से, ये सिक्योरिटी को हार्ड थ्रेट से किन थ्रेट्स पे लेकर आया, सारी बात है यार इसका उल्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट थ्रेट्स पर लेकर आया। वो थ्रेट्स कौन थे वो हम अभी देख लेते हैं, लेकिन उन थ्रेट्स को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये जरूर बताना चाहूंगा कि पहले ट्रेडिशनल कंसेप्ट था सिक्योरिटी का, डिबेट का सारा एवोल्यूशन समझ आया ना, कि पहले ट्रेडिशनल कंसेप्ट था, कोल्ड वॉर एंड हुई, रियलिस्ट अपनी सिक्योरिटी को डिफेंड करने में फेल हुए, बैरी बुजान उसको रेस्क्यू करने आया, बैरी बुजान ने दो थीसिस दिए और उसने सिक्योरिटी के कंसेप्ट को मिलिट्री सिक्योरिटी से निकाल के, मतलब हार्ड थ्रेट्स से निकाल के सॉफ्ट थ्रेट्स तक, मतलब उसने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से मुल्कों को निकाल के वो मुल्कों को किस तरफ लेके गया, किस सिक्योरिटी की तरफ लेके गया, वो मुल्कों को नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की तरफ लेकर गया। अच्छा अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या आता है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या आता है, मिलिट्री सिक्योरिटी, मतलब जो तुम्हारी हार्ड चीजें हैं, हार्ड मतलब जो चीजें आपके वेपन्स से हैं, जो चीजें आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग से हैं, जो चीजें आपके मिलिट्री ऑफिसर से हैं, मतलब जो सारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट है मिलिट्री मिलिट्री मिलिट्री, दैट इज ट्रेडिशनल कंसेप्ट, ये उससे निकाल के चीजों को नॉन ट्रेडिशनल पे लेकर आया और इसने कहा कि भाइयों दुनिया में एक चीज होती है जिसको सोसाइटल सिक्योरिटी भी कहते हैं, एक चीज होती है जिसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी कहते हैं। एक चीज होती है जिसको पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी कहते हैं और एक चीज होती है जिसको एनवायरमेंटल सिक्योरिटी भी कहते हैं। कोई मुश्किल? हाँ चौकस हो गया कंसेप्ट? मैंने कहा ना बाकी सारी गप्पे हैं। अच्छा अब इसमें क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी में क्या होता है, सोसाइटल सिक्योरिटी में क्या होता है, हाँ जैसे कि माइग्रेशन है,
बहुत बड़ा इशू है। माइग्रेशन से क्या होता है, जैसे अफगान माइग्रेंट्स हुए और इश्यूज आपके सामने हैं, आपने माइग्रेंट से भी अपने आप को बचाना है, ये भी आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट है। आपकी सोसाइटी के अंदर जो एथनो रिलीजियस मूवमेंट्स चल रही हैं, क्या वो आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है? हमारे तो पाकिस्तान को, हमारे पाकिस्तान को तो समझ गए हो। अभी काकर ने कहना कि सर आप बातें करते हैं हमारे खिलाफ, ठीक है, जैसे कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जैसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ठीक है, जैसे तुम्हें बहुत बड़ी मिसाल बताऊं, वो कोई एग्जांपल दूं तुम्हें, बर्मा, बर्मा का इशू था, जैसे आपके सामने था बर्मा का इशू, द टॉप एग्जांपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी इशू, रेफ्यूजी का इशू, नो डाउट, इसको तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है ना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही है, बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, हौसला करो, कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक बेहतरी करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है भाई, किसी तरह भी अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे तो क्या तुम अपने मुल्क को सिक्योर रख सकते हो? लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करोगे तो अपने मुल्क को सिक्योर रख सकते हो? लोग तो तुम्हारे मुल्क को अंदर से खा जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात यहां पे जो सम है वो आपने ये रखना है, वो आपने ये रखना है कि बाकी जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, बाकी जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, एनी हाउ वो किसी तरह इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे डिपेंड कर रही होती हैं। बैरी बुजान की इन चार सिक्योरिटीज में जो नॉन ट्रेडिशनल है, उसमें जो मेन फोकस है उसका वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे, क्योंकि देखो यार सारी गेम में पैसे की है, पैसे होंगे तो सारी चीजें ठीक होंगी, पैसे नहीं होते सारे मसाइल हैं, पैसे होंगे तुम्हारे पास, पैसे हो तो तुम ये सारे इश्यूज एड्रेस कर सकते हो कि नहीं। अभी सरार काकड़ को हम जो है वो पैसे भिजवा दें यहाँ से खुले, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर देने हैं, वरना उसने कहना कि ठीक है मैं फिर जा रहा हूँ बीए की तरफ, ऐसे है ना सरार। पॉलिटिकल सिक्योरिटी आपकी कंट्री की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कंट्री की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, अगर आपके अंदर अनफॉर्चुनेटली, अब इसरार ने कहना है कि सर मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर आपके मार्शल लॉज लग रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि मार्शल लॉ को इम्पोज करने के लिए आपको मार्शल लॉ के साथ साथ कुछ और भी लगाना पड़ता है। सो अगेन दिस इज थ्रेट टू द सिक्योरिटी। उसके बाद जितने भी यहाँ पे सुपरा नेशनल एंटिटीज हैं, सुपरा नेशनल का पता है ना, जैसे यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, ये आईओज हो गई, जिस तरह एमएनसीज हैं, वो सारी की सारी आपके पॉलिटिकल सिक्योरिटी के हैं कि नहीं है? देखो जितनी भी एमएनसीज आएंगी, मैकडोनल्ड जब यहाँ पे आएगी तो मैकडोनल्ड अपनी बातें मनवाएंगी कि नहीं मनाएंगी? पॉलिटिकल सिक्योरिटी से पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करेगी कि नहीं करेगी? और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द यूएन एफ CCC, United Nations Framework
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी. पाकिस्तान इज द सिक्स्थ मोस्ट वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री बाय द क्लाइमेट चेंज. अच्छा, अब सवाल क्या आया था? सवाल ये आया था पाक अफेयर के अंदर कि पाकिस्तान को कौन कौन से अनकन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं. तो जिसने तो ये क्वेश्चन स्टार्ट ही मिलिट्री से किया तो उस बंदे को तो वहीं पे ही गुस्सा आ जाएगा और उसको तो वहीं पे काटा लगा देगा. ही आस्क्ड अबाउट अनकन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट. और अगर तुम करना तो सुकून से कोल्ड वार से स्टार्ट करना, कोल्ड वार को एंड करवा के बैरी बुजान का तड़का लगा के बैरी बुजान के दो थीसिस के नाम लिख के फिर उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट करना. इंट्रोडक्शन में जब ये बातें लिखोगे तो खुद ही अंडरस्टैंड करोगे तुम्हारे पेपर को कहां बैठे देगा वो पाक अफेयर के पेपर को. अब पता चला है आईआर के क्या बेनिफिट है. और अभी ये हमारा सिर्फ पहला लेक्चर है जो आईआर के डोमेन से निकल रहा है. और जस्ट सोचो कि तुम ये जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और ये डिबेट अपने इंट्रोडक्शन में लिखोगे तो अपना पेपर और दूसरों के पेपर को खुद ही रेट कर लोगे कहां पे रेट करते हो. फिट हो गया पुत्री कि नहीं? सो क्या टॉपिक था हमारा? यार मेरा करंट अफेयर में बहुत अच्छा स्कोर था. आई हैव 67 इन करंट अफेयर. अमीर वो उधर आ जाएगा ना पुत्री, अमीर ये उधर आ जाएगा, अमीर तमूर ये सोसाइटी में आ जाएगा ना, हेल्थ वाला सोसाइटी में आ जाएगा. कसम से थोड़ी सी और बात करो तुम फौरन उधर चले जाते हो. अच्छा अब ये कंसेप्ट क्लियर है ना? सर यूएस पेरिस ट्रीटी से निकल गया है, उसको एनवायरमेंटल थ्रेट नहीं है. मुझे क्या पता है यार. अच्छा अगला टॉपिक है नेशनल पावर. नेशनल पावर एंड इट्स एलिमेंट्स. ये मैंने तुम्हें सिर्फ एक बात से ना, सिर्फ एक बात से समझा देना है. मतलब एक बात आपने समझनी है और ये आपको सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा. जी सुहेल. जी बेटा. हाँ जी सुहेल साहब, हुक्म कह रहे हैं. आपने कहा को बात पूछी है? जी जी लिशपा, आप दे सकते हैं रेफरेंस. कल्चरल थ्रेट वो उसमें आ जाएगा ना, सोसाइटल सिक्योरिटी में आ जाएगा कल्चरल थ्रेट. एथनिक सोसाइटल में आ जाएगा ना, सोसाइटल में आ जाएगा. इतनी सी बात भी रोने लगे थे मिठू. ओ सॉरी. समझ आ गई है? जी ये सब अनकन्वेंशनल है. कन्वेंशनल सिर्फ एक है, कौन सा? मिलिट्री. हया करो, हया शर्म करो कुछ. नेशनल पावर
एंड इट्स एलिमेंट्स. ठीक है, अच्छा पार क्या होती है और नेशनल पार क्या होती है? नेशनल पार क्या होती है कि एबिलिटी एबिलिटी ऑफ अ स्टेट किस चीज के लिए, किस चीज की एबिलिटी? नेशनल पावर क्या होती है? टू इन्फ्लुएंस कोर्स या कंट्रोल क्या अनदर स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स. यार ये जो मॉर्गन थाओ की पार की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई, उसी को नेशनल पार कह दी. मतलब वैसे पार तो पार होगी ना, बस उसी को नेशनल के साथ जोड़ दो. अगर पार है और कौमी पार है, कोई फर्क तो नहीं ना होगा. वही पार का कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, कि एबिलिटी ऑफ ए स्टेट टू इन्फ्लुएंस और कोर्स या कंट्रोल अनदर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर. पार हमने यही पढ़ी है ना, कि साइकोलॉजिकल रिलेशन है, ठीक है, जिसमें एक जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, दूसरा कंट्रोल हो रहा होता है. इसको जब तुम नेशनल कह दोगे तो किसी भी स्टेट की वो एबिलिटी, मतलब वैसे पहले वैसी पार है, जब नेशनल नेशनल कह दोगे सिर्फ वर्ड चेंज करने हैं, सिर्फ वर्ड चेंज करने हैं, कि किसी भी पहले वैसे सिंपल थी, अब क्या है स्टेट की, कि किसी भी स्टेट की वो एबिलिटी जिसके अंदर दूसरे को इन्फ्लुएंस करे, कोर्स करे या कंट्रोल करे किसी दूसरी स्टेट को या किसी नॉन स्टेट एक्टर को. मतलब यूएस है और यूएस के पास पावर है, यूएस है और यूएस के पास पावर है, यूएस पाकिस्तान को कंट्रोल करता है कि नहीं करता? करते हैं. अच्छा यूरोपियन यूनियन नहीं, नेटो, नेटो नॉन स्टेट एक्टर है कि स्टेट एक्टर है? तो यूएस इसको कंट्रोल करता है कि नहीं करता? तो नेशनल पावर का कंसेप्ट क्लियर हुआ. व्हाट इज नेशनल पावर? पावर की कंसेप्ट के साथ नेशनल को ऐड कर दो, पार की कंसेप्ट के साथ स्टेट को ऐड कर दो, कि किसी भी स्टेट की वो एबिलिटी जिसके अंदर वो किसी दूसरी स्टेट को या नॉन स्टेट एक्टर को इन्फ्लुएंस करे, उसको कोर्स करे या उसको कंट्रोल करे, इट इज कॉल्ड नेशनल पार. ये समझ आई नेशनल पार क्या होती है? क्लियर? एंड गिव मी योर वन मिनट अटेंशन. मैं आपको इस एक कंसेप्ट से इतना मजे का कंसेप्ट समझाने लगा हूं ना, एंड यू विल सिंपली से वाओ. एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, इट्स सो इजी, सो सिंपल. देखो नेशनल पावर क्या होती है, नेशनल पावर क्या होती है? किसी भी स्टेट की वो कैपेबिलिटी, किसी भी स्टेट की वो कैपेबिलिटी जिसके जरिए वो दूसरी स्टेट को या नॉन स्टेट एक्टर्स को कंट्रोल करे. यही है नेशनल पावर, ने यही पढ़ी है. ओके नाउ गिव मी वन सेकेंड जस्ट ट्राई टू फोकस. मैंने क्या कहा कि किसी भी स्टेट की कैपेबिलिटी, किसी भी स्टेट की कैपेबिलिटी, तो जो कैपेबिलिटी को बनाने में स्टेट के एलिमेंट्स यूज होंगे वही नेशनल पावर के एलिमेंट्स होते हैं. जो किसी भी स्टेट की कैपेबिलिटी को बनाने वाले एलिमेंट्स होते हैं, जिन एलिमेंट्स के साथ वो दूसरी स्टेट को या नॉन स्टेट एक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सके, These are called the elements of national power. मसलन मिलिट्री से आप कंट्रोल कर सकते हैं दूसरे को, तो मिलिट्री क्या हो जाएगा? एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर. फिट हो गया कि नहीं?
इकोनॉमी से आप कंट्रोल कर सकते हो? मैं नोट बहा, मेरा मूड बने। टेक्नोलॉजी से आप कंट्रोल कर सकते हो? पॉलिटिकल क्लाउड से आप कंट्रोल कर सकते हो? और रिसोर्सेज से आप कंट्रोल, यार एक मिनट, हेलो, हाँ, नहीं नहीं वो तो कल जाना है ना, कल जाना है ना, हाँ ठीक है, नहीं नहीं मैं कल जो है ना आई वुड बी अवेलेबल, तो बस कल जो है ना वो खाना खा के चले जाएंगे और मेरी बात हो गई है तो वो वहां पे बंदा होगा तो हमें ले जाएगा। हाँ है, अच्छा मैं अभी बिजी हूँ तो मैं तुम्हें बाद में फोन करूँ। हाँ नहीं नहीं कल पक्का है, ठीक है ठीक है, ओके ओके। बच्चों एक मिनट, जस्ट जस्ट गिव मी वन मिनट। हेलो, हम ये पढ़े थे कि नेशनल पावर क्या होती है। नेशनल पावर होती है कि आप दूसरे स्टेट को और नॉन स्टेट एक्टर को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो इन्फ्लुएंस करने में आपकी पावर बढ़ाने में, मतलब ये एक पहलवान है और ये पहलवान किसी दूसरे पहलवान को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब इस पहलवान के कौन से एलिमेंट्स होंगे, इसके कौन से बादाम, कौन से देसी घी, कौन सी वो एलिमेंट्स होंगे जो इसकी हेल्प करेंगे इस पहलवान पे हैवी होने के, दैट वुड बी इट्स एलिमेंट्स ऑफ पावर। तो इसी तरह स्टेट की भी वो कौन सी चीजें होती हैं जो इसके एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर बनते हैं कि ये दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। सो अगर हम मिलिट्री में जाएं तो मिलिट्री किसकी पावर है, यूएसए को देख लो, मिलिट्री पावर है, कुछ भी करता है। 9/11 के बाद क्या कहा था, इधर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। इकोनॉमी चाइना पार है उसकी, सी पैक बना रहा है भाई, वन बेल्ट वन रोड बना रहा है, अपनी इकोनॉमी के जरिए कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आज पैसे बंद हो जाएं तो क्या बनेगा, देखो सी पैक कैसे उसकी स्ट्रेंथ बन रहा है, समझ रहे हो। टेक्नोलॉजी, जापान क्या है, सिर्फ दो आइलैंड्स हैं और आइलैंड्स भी क्या है, जहां पे हर टाइम जो है ना वो कोई ना कोई क्लाइमेटी आई ही होती है,
उसके बावजूद भी भाई उनकी पार है। यूरोपियन यूनियन, कभी भी कोई यूरोप नहीं कह रहा होता, यूरोपियन यूनियन इकट्ठे मिलके बोल रहे हैं पार है। जापान, ये जर्मनी बोलेगा ठीक है पार है, लेकिन वो रोल नहीं है। फ्रांस बोलेगा पार है, लेकिन वो रोल नहीं है। बट व्हेन दे आर एड्रेसिंग एज ए यूरोपियन यूनियन, दे आर ए पार। हाजा तेल उन, जैतून उन, पैसा उन, खुला उन, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, रिसोर्सेस पार है, ठीक है ना। यूएसए को भी तेल बंद करके उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यूएस का तेल बंद करके उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर क्लियर हुए, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर? बस मेरे साथ एक मिनट रहो, और ये जो चीजें हैं ना ये बड़ी आसान सी हैं, इनको हम आज ही खत्म कर लेते हैं। अच्छा अब ये है कि अब मैं अगर इसे जान छुड़वाना चाहूँ तो मैं बड़ी आसानी से छुड़वा सकता था, लेकिन मैं तुम्हें इसके भी डीप लेके जाता हूँ। बच्चे पॉलिटिकल क्लाउट ये होता है, देखो आपका एक भाई हो और वो किसी को कह के खबरदार आज हमारी, आज के बाद हमारी गली में नहीं आना, और अगर आपके पांच भाई हो और मिलके कहेंगे खबरदार आज के बाद हमारी गली में नहीं आना, तो किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, पांचों का कि एक का? तो पॉलिटिकल क्लाउड ये होता है कि जब कंट्रीज मिलके एज ए ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे होते हैं तो उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा पुत्री मैं अब तुम्हें ना इसके अंदर थोड़ा सा मजीद लेके जाता हूँ, ताकि अगर इस पे भी क्वेश्चन आए तो तुम उस पे भी पूरी की पूरी डिबेट लिख सको। मैं तुम्हें इसके भी ज्यादा डिटेल में लेके जाता हूँ। यार माज मैं ना इन किसी भी डिबेट्स में नहीं जाता, वरना मैं इसके ऊपर डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन ये जो टॉपिक है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हम थोड़ी सी कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नेशनल पार्क कौन सी होती हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेशनल पार्क। अच्छा इसका टेबल बना लेते हैं ताकि तुम्हें याद हो जाए। पहले इधर रख लो कि कंपैरिजन की स्पेस पे करना है तुम लोगों ने, ये कर लो, उसके बाद कर लो हार्ड पावर है या फिर सॉफ्ट पावर है, ये दो टाइप्स हो गई, ठीक है। अच्छा इसका पहले थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव देख लो ना, तक मैं पता तो नहीं चल रहा कि कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी। अच्छा जब भी कंट्री हार्ड पावर अचीव करने की कोशिश करेगी, हार्ड पावर अचीव करने की कोशिश करेगी, तो कौन सा किस थ्योरी का व्यू पॉइंट यूज होगा? वाओ शाबाश। और जब सॉफ्ट पावर की बात करेगी तब, अब अंदाजा हो रहा है कि मैंने चार दिन क्यों लगाए हैं थ्योरीज पे, फायदा हुआ चार दिन लगाने का? आज बात कहीं से भी पढ़ो ना यार, तो कहो भी पहले मैंने थ्योरीज पढ़ाओ, मुझे सारी उसकी अंडरस्टैंडिंग कराओ, उसके बाद मुझे पढ़ाओ। अच्छा अब एक बात थोड़ी सी ये भी बड़ी मजेदार है लेकिन बड़ी आसान है। एलिमेंट्स ऑफ पावर कुछ ऐसे होते हैं जो टेंजिबल होते हैं। मिलिट्री हमेशा टेंजिबल होती है, ठीक है। क्या कभी कॉर्पोरेशन देखा है कि कहीं नजर आ रहा हो कि यार ये कॉर्पोरेशन पड़ा हुआ है? कभी इकोनॉमी कहीं नजर आ रही हो, कहीं पड़ी हुई हो, इकोनॉमी पड़ी हुई है यार। कभी ट्रेड ऑफ अट्रैक्शन कहीं पड़ा हुआ हो, जी मटेरियल एंड मटेरियल, लेकिन आईआर की टर्म में ये ज्यादा अच्छे लफ्ज हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल।
बच्चों अपार में ना जार्गन्स जार्गन्स कौन से हो गए हमारे हमारे चार जार्गन्स हो गए। जब भी हार्ड पार की बात होगी मिलिट्री रियलिज्म, जब भी सॉफ्ट पार की बात होगी कॉपरेशन लिबरलिज्म, जब भी हार्ड पार की बात होगी दैट वुड बी टेंजिबल, और जब भी सॉफ्ट पार की बात होगी दैट वुड बी इनटेंजिबल। और ये टेंजिबल इनटेंजिबल को हम मजीद डिटेल में भी पढ़ते हैं ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। टेंजिबल इनटेंजिबल की हम मजीद भी डिटेल में जाते हैं लेकिन पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो डिसाइसिव कैपेबिलिटीज होंगी, जो इसकी डिसाइसिव कैपेबिलिटीज होंगी, इसके अंदर मेन रोल किसका होगा? मेन रोल किसका होगा इसके अंदर? मिलिट्री। शाबाश, देखो तुम खुद ही एक्सपर्ट हो गया। और इसके अंदर मेन रोल किसका होगा? नॉन मिलिट्री। और शाबाश टीना, मेन कर लो इकोनॉमी। अच्छा अब मैंने इकोनॉमी मेन क्यों लिखा है? इकोनॉमी मेन क्यों लिखा है? इकोनॉमी को मेन क्यों किया है? क्योंकि बाकी सारे इसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं ना, बाकी सारे इसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। पैसा, हाँ पैसा बोलते भी है। अच्छा मैनिफेस्टेशन क्या होती है? मैनिफेस्टेशन क्या होती है? आपका नारा क्या है? आपका बेसिक मुद्दा क्या है? ठीक है तो इनका बेसिक मुद्दा क्या है? जंग करनी है, वार वार पार वार ऑफ क्वेश्चन। और ये किसकी बात करते हैं? मेरे करीब आओ, मेरे साथ कॉपरेशन करो, ट्रेड ऑफ अट्रैक्शन कॉपरेशन। ठीक है अच्छा इसका इफेक्ट क्या होता है? कसम से मैं लिटरली जेलस फील करता हूँ यार, कितना मैं तुम्हें बच्चों की तरह समझाता हूँ ना, देखो यार ये है और ये है और ये है ये और ये है, इस तरह तुम्हें याद करने में आसानी होती है कि नहीं होती यार? ये तो तुम्हें इसी टाइम याद हो जाने चाहिए यार, मतलब क्या बात है। अफेक्ट क्या होंगे, इसका अफेक्ट क्या होगा? इसका अफेक्ट क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट। इसका अफेक्ट क्या होगा? कॉपरेशन। अच्छा आपने वो पॉलिसी सुनी है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अच्छा यहां पे कैरेट्स होंगी कि स्टिक्स होंगी? यहां पे कैरेट होंगी स्टिक्स होंगी? स्टिक्स होंगी। और यहां पे क्या होगी? कैरेट्स होंगी। ठीक है अच्छा जो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है, जो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है वो कैसी होगी? यहां पे कैसी होगी? जीरो सम गेम या सम सम गेम? जीरो सम गेम। और यहां पे कैसी होगी? विन विन गेम। इतनी सी बात है। तो जब भी टाइप्स ऑफ नेशनल पावर होंगी तो टाइप्स ऑफ नेशनल पावर दो किस्म की होती हैं, एक होती है हार्ड पावर एक होती है सॉफ्ट पावर। और फिर इसको हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में देखा, फिर हमने उसके एलिमेंट्स ऑफ पावर देखे, फिर हमने उसकी डिसाइसिव कैपेबिलिटीज देखी, फिर हमने उसकी मैनिफेस्टेशन देखी, फिर हमने उसका इफेक्ट देखा, फिर हमने उसका डिप्लोमेटिक टूल देखा, और फिर हमने देखा कि उसकी नेचर ऑफ पॉलिटिक्स कैसी होती है। ठीक है चलो अब मैंने तुमसे एक और भी वादा किया था कि मैं तुम्हें इसमें मजीद इन डेप्थ में लेके जाऊंगा ताकि तुम्हारा पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। अच्छा एलिमेंट्स ऑफ पावर में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि उसमें तुम्हें मजीद डीप लेके जाऊंगा, वो कौन सी थी? हाँ टेंजिबल, टेंजिबल एंड एंड इनटेंजिबल।
टेंजिबल, किसी भी मुल्क का साइज ऑफ इकोनॉमी, आप कहेंगे सर ये तो पहले आपने बताया कि इनटेंजिबल होता है। अब ये तुम्हारे अब दिमाग खोलने की बात है कि तुम अपने दिमाग को कितना खोलते हो भाई। कितने आपके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, कितनी आपकी जीडीपी है, कितना आपके पास पैसा अवेलेबल है, दैट डिपेंड्स अपॉन यूर टेंजिबल, दैट डिपेंड्स अपॉन। अब देखो ना, यूएस के पास पैसा है ना, अपनी मर्जी करता है। मिलिट्री, आपकी मिलिट्री, आपकी पॉपुलेशन। अच्छा तुम्हें अपना यूएस हिस्ट्री का पहला लेक्चर याद है? पहला लेक्चर याद है यूएस हिस्ट्री का, जिसमें मैंने तुम्हें ये प्रूव किया था कि यूएस यूएस हिस्ट्री क्लाइमेट, जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, और ये भी बताया था कि किस तरह यूएस अपने आप को सुपर पावर बनाता है, याद है? वो सारी चीजें तुम यहां पे अप्लाई करना, ये एलिमेंट्स देखते जाओ और यूएस को माइंड में रखो, ये एलिमेंट्स देखते जाओ और यूएस को माइंड में रखो, ऑटोमेटिकली तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह पावर को जनरेट करते हैं। लेकिन एक बात तुम्हें याद रखनी है, एक वर्ड होता है फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी, फंजिबिलिटी क्या होती है? फंजिबिलिटी क्या होती है? किधर गया मेरा तनवीरुल इस्लाम, तनवीरुल मुस्तफा? क्या होती है फंजिबिलिटी? तनवीर जिंदा हो? शाबाश हाशिम, कन्वर्टिबिलिटी। फंजिबिलिटी को कहते हैं कन्वर्टिबिलिटी, मतलब देखो। और फंजिबल पावर कौन सी होगी? फंजिबल पावर कौन सी होगी जिसको आप कन्वर्ट कर सको? ओ भाई, पॉपुलेशन तो पड़ी है, पॉपुलेशन तो है लेकिन किसी काम की नहीं है, सारी के सारे सीएसएस की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या करना पॉपुलेशन को, सारे निकम्मे हैं, फायदा नहीं है, जिसको आप कन्वर्ट ही ना कर सको, ठीक है ना। इसकी इस मिसाल को इस तरह समझ लो कि जो दुनिया के 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, यार ये बड़ा अच्छा कंपैरिजन है याद रखने के लिए, दुनिया के जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, क्या वो 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज भी हैं? कहानी समझ आ गई? कहानी समझ आ गई भाई? जिसने अपनी पॉपुलेशन को इस्तेमाल कर लिया, उसको फंजिबल बना लिया, उसकी तो मौजें हो गई। चाइना पॉपुलेशन का साइज बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन स्किल्ड है, पॉपुलेशन स्किल्ड है, पॉपुलेशन को उसने यूज किया, इफेक्टिव बनाया। पाकिस्तान, अवाम तो बहुत है लेकिन सारी वेली है, निकम्मी है, क्या फायदा है, क्या जरूरत है इसकी, ठीक है, जहाज हैं, चर्सी हैं सारे। सो कमिंग बैक हियर, पॉपुलेशन इज अगेन द सोर्स, ठीक है, टेरिटरी इज अगेन द सोर्स। आपका साइज कितना है, आप बड़े कितने हैं? यूएस की टेरिटरी देखती है, मतलब ऑलमोस्ट 4th or 5th लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। उसके बाद आपकी जियोग्राफिक पोजीशन कैसी है, उसके बाद आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी कैसी है, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, टेंजिबल हो जाएंगी। और जब इनटेंजिबल में आएंगे तो आपके मुल्क का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, क्या आपके मुल्क में बलूचिस्तान वाले आपसे खुश हैं कि नहीं है,
क्या इसरार काकड़ जो है वो आपसे खुश है कि नहीं है, आपका पॉलिटिकल कल्चर कैसा, आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, आपके मुल्क की आइडियोलॉजी क्या है, आपके मुल्क की आइडियोलॉजी क्या है, क्या आपकी आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि वो सारे मुल्क को जोड़ के रखे, ठीक है, आपकी लीडरशिप कैसी है। यार इसको सारा यूएस का फार्मूला लगा लो और इसको सारा पाकिस्तान वाला फार्मूला लगा लो आपकी लीडरशिप कैसी है, ठीक है, आपको बिग ब्रदर्स कंट्रोल करते हैं या आप खुद कंट्रोल होते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी कैसी है, आपकी क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी कैसी है, आप अपनी बात को इंटरनेशनल लेवल पे मनवा लेते हैं या नहीं मनवा लेते। आपकी जो बच्चे सीएसएस करते हैं और जब वो डिपार्टमेंट्स में जाते हैं उन डिपार्टमेंट्स की एफिशिएंसी कैसी है, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। आपका एजुकेशन लेवल क्या है और आपका नेशनल मोरेल कैसा है, आपके मुल्क के अंदर सॉलिडेरिटी कितनी है। ईमानदारी से बताना है, अब अगर नेशनल पार्क पे कोई क्वेश्चन आया ना और तुमने कुछ उसके ऊपर ना लिखा तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये आ गया ना बच्चे फॉरेन पॉलिसी, ये आ गया ना क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी। जी जी पब्लिक ओपिनियन भी देखो ना, ये पॉलिटिकल कल्चर में पब्लिक ओपिनियन आ जाता है। तो अब जब नेशनल पार्क की बात आएगी, अगर पाक अफेयर में या करंट अफेयर में पाकिस्तान की नेशनल पार्क की या नेशनल पार्क का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप यही डिबेट अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, आपका पाक अफेयर में आपके करंट अफेयर में एक क्वेश्चन जरूर नेशनल पार्क का आता है, ठीक है। तो यही बातें जो आपने इधर सीखी हैं वहां पे आपने अप्लाई कर देनी है सारी। ये आईआर का सबसे बड़ा फायदा, और देखो आज पांचवी क्लास है, मतलब चार क्लासेस तो हमारी आईआर की है ना, आज आईआर की पहली आउट ऑफ थ्योरीज क्लास है। और आज ही हमारे पाकिस्तान अफेयर के कितने क्वेश्चन एड्रेस हुए, दो। दिस इज द बेनिफिट ऑफ, यही मैं लोगों को समझाता हूं और मेरी बात नहीं मानते। ओ भाई आपका 60% सीएसएस जो है ना वो आईआर है, ठीक है, योर 60% ऑफ आईआर इज बेस्ड ऑन, सॉरी 60% सीएसएस इज बेस्ड ऑन जो है ना वो आईआर। और दूसरी बात ये है कि अपने आप को जब करंट अफेयर में भी लिखने लगो तो कोशिश करो कि आईआर की लैंग्वेज में लिख लो, कोई इतना कोई मसला भी नहीं होने वाला। आपके पास जो थ्योरी थे आप वहां पे लिखो, अपना नॉलेज को अप्लाई करो, इट्स ओके, ही वुडंट माइंड इट। अब मैं एक बात बड़ी गहरी करने लगा हूं, उसके आपने मीनिंग समझने हैं। अगर करंट अफेयर वाली लैंग्वेज को आईआर में लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आईआर की लैंग्वेज को करंट अफेयर में लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। यार आपको मैं कहता हूं कि कल सारे ना आप सुबह सुबह जहर खा लें तो फिर आप खा लेंगे, इंसान का अपना भी अकल होता है यार, मतलब इंसान की जाति थॉट्स भी होती हैं। अब मैडम शशि के पास क्या प्रूफ है कि मैडम शशि किस बेस पे कह रही है कि आप ना रखें, मैडम शशि के पास क्या फैक्ट्स हैं? शी इज माई सीनियर, शी इज वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर मी, वो कल आ भी रही है।
मैं तो यार मतलब ठीक है वैसे, क्या मतलब मैं क्या बताऊं। जी बच्चों, क्लास एंड हो गई है और हम जो है ना वो, यार ये देखो बच्चे ने कितना अच्छा कमेंट किया इसकी बात को, बेटे तो है कौन, मारिया। मारिया कहती है कि IMS आयार, अगर ना भी पढ़ा होता आयार तो भी आयार ही लेती, समझ आई है जी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो एज है वो 30 इयर्स है। मरियम तुम जॉब करी हो ना तो यार वो सर्वेंट रूल्स होंगे, तो सर्वेंट रूल्स के अंदर जो है ना देख लेना, मेरे ख्याल में 30 इयर्स भी शायद 32 इयर्स तक है, मेरे ख्याल में 32 है आई गेस। अच्छा बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और कल तुम्हें दे रहा हूं मैं छुट्टी, कल सारा अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, और फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को हमारी क्लासेस होंगी। मतलब इस वीकेंड पे हम अपनी 8 क्लासेस आधा आयार पूरा कर लेंगे। कल एंजॉय करो, रिवाइज कर लो सारा, और लेकिन एक बात अपने माइंड में रखो कि जो मुश्किल पोर्शन था वो हमने कर लिया है। अगले हमारे टॉपिक्स क्या होंगे, हम बैलेंस ऑफ पावर पढ़ेंगे, उसके बाद जो मेन टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फॉरेन पॉलिसी एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस। ये फॉरेन पॉलिसी आपका करंट अफेयर है सारा जी। हनान यार, बिलाल मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आईआर जो है ना वो बड़ी इंटीग्रेटेड सी अप्रोच है, इंटीग्रेटेड सी अप्रोच है, और मतलब मुझे भी पता है, मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, मुझे क्या मसला है दिखाने में, मैं मेरा कोई जेन में प्लान है तो मैं इसलिए नहीं दिखा रहा। जस्ट वेट फॉर द 10 क्लासेस और तो आपको आ जाएगा। हनान नहीं, जुमे को नहीं कर सकती, बस कल छुट्टी है आपकी, जुमेरात को, जुमेरात को मौजे मारे, दरबार से बाहर पे जाएं, कवाली शवाली सुने आप। अल्लाह हाफिज। मैं भी कवाली सुनने जा रहा हूं। मेरी बात सुनो, कभी ये भी हुआ कि मैंने नोट्स ना शेयर किए हों जो मैं लिखता हूँ इधर? मतलब कुछ लोग होते हैं उनको ना गाँव गाँव एफिशिएंसी बनने की जरूरत होती है, मतलब ठीक है मैं कर दूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कुछ भी।